किया है, हम सब लोगों को इस बात के लिए प्राउड फील होना चाहिए और अपने डायरेक्टर को ना बार बार जब भी मौका मिले तब जरूर धन्यवाद देना चाहिए। तो आज भी एक मौका है, जरूर उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने इस तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में लेके आई। देखिए एक अंतर है, मार्केट में तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडिया में ही बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में ही सैकड़ों कंपनियां हैं, आप सबको मालूम है, और वो भी गवर्नमेंट के नियमानुसार उसमें दर्ज है, लेकिन उनके जो ओनर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका नियति क्या है, वो किस तरह से क्या क्या मकसद है पीछे, उनको अपने घर को बनाना या फिर लोगों के लिए कुछ समाज के लिए कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ आसानी करना। तो दो मकसद होते हैं, देखिए अपने आप को बढ़ाना तो हर व्यक्ति का मकसद होता है। जैसे एक टीचर है, टीचर पैसा कमाता है और अपना पैसा कमाना उसका मेन उद्देश्य है, ये बात सही है कि नहीं? जी गुरु जी। फिर वो किसी को पढ़ा के, किसी को आगे बढ़ा के, किसी को जीवन में योगदान करके तब पैसा कमाता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर भी पैसा कमाते हैं, लेकिन डॉक्टर किसी की परेशानी को भी दूर करते हैं, पैसा तो वो कमा ही रहे, कमाएंगे भाई, अपनी मेहनत मजदूरी तो देंगे ही ना। लेकिन कोई एक ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ पैसे पे ही ध्यान दे और पेशेंट की केयर करने की या किसी चीज की कोई मतलब उसे वो ही नहीं है। तो हम लोगों का मकसद क्या है, अपने लिए तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ा के जीवन में और उनको कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड करा के और हम आगे बढ़ते हैं तो शायद के उसमें सृष्टि भी, ब्रह्मांड भी साथ देता है। हमारे डायरेक्टर्स की नियति भी वैसे ही है कि वो हर तरह से, चाहे प्रोडक्ट को लेकर के हो, चाहे सर्विस को लेकर के हो, चाहे क्वालिटी को लेकर के हो, चाहे लीडरशिप को लेकर के हो, चाहे उनकी ईमानदारी को लेकर के हो, चाहे कंपनी के कोर वैल्यूज एथिक्स को लेकर के हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, वो बहुत दमदारी से इन सारी चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। जहाँ मेहनत करने की बात आई, जहाँ किसी सिचुएशन को संभालने की बात आई, तो मुझे मालूम है हमारे सभी ऑनरेबल डायरेक्टर्स हमारे स्टाफ के साथ में लोगों के बीच में थे, फोटो आप लोगों के पास भी है, वीडियो आप लोगों के पास भी है। अपनी कंपनी की बहुत बड़ी खासियत है कि वो सही चीज़ों को जिससे समाज में फायदा होगा उसको और उस चीज़ को वो बढ़ावा देते हैं। आज आप देखिए भगवत गीता जी को लेके भी वो सोच चल रहा है, तो उसको बढ़ावा देते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो जिससे सबका उद्धार होना है, हमारा आपका नहीं, समाज का भी एक उद्धार होना है, उन चीज़ों को वो बहुत प्रायोरिटी देते हैं। हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए, हमको इस बात पर प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोग ऐसी संस्था में हैं, ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर जो मुखिया हैं वो जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन बहुत ही सोच समझ के और बहुत लोगों के पक्ष में लेते हैं। इसके साथ हम देखिए हमारी जो मेंटरशिप को देखेंगे तो एक एक मेंटरशिप को आप देखिए, चाहे उनकी एज कुछ भी रही हो, लेकिन वो आज भी मेहनत करने से थकते नहीं है। आज भी वो हमारे लिए चाहे किताब पढ़ें, चाहे कोई वीडियो ऑडियो सुने, चाहे वो कहीं से भी कुछ भी कलेक्ट करें, लेकिन नई नई इन्फॉर्मेशन हमको ला के देंगे, नए नए तरीके हमको ला के देंगे, बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत करके वो सारी चीज़ों को हमको उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी जो मेंटरशिप है उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना के रखा है कि आप पहले ये प्लान दिखाना है, इस तरीके से प्लान दिखाना है, फिर फॉलोअप करना है, फिर FIM करनी है, एक सिस्टम बना के दिया ऊपर। और गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ वही होती है जो उस सिस्टम को कुछ आगे पीछे कर देता है या पूरा नहीं करता है। प्रक्रिया अगर पूरी नहीं करता है, जैसे सब्जी बनाना शुरू किया, उसमें आपने सब्जी किस चीज़ की बना रहे हैं वो तो डाल दी, लेकिन मिर्च मसाला आगे का जो उसको उसको पकाना है, कितने टाइम तक रखना है, अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो पूरी तरह से रेसिपी होगी नहीं और वो सब्जी प्रॉपर बन नहीं पाएगी। तो ऐसे ये यहाँ पर भी सफल होने की, डायमंड बनने की एक रेसिपी जैसी है, उन प्रक्रिया को कुछ समय तक व्यक्ति पूरा करता रहता है तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है, और व्यक्ति को कोई कन्फ्यूजन आ जाए तो फिर वो व्यक्ति पीछे पिछड़ जाता है। तो आज हमारे पास मौका है कि हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हमारे पास कोई सवाल नहीं है, हमारे पास करने के लिए सिर्फ काम है। कंपनी ने हमारे सारे सवालों के जवाब हमको ऑलरेडी वैसे ही दे दिए, हमारे सवालों के जवाब, सबके सवाल खत्म है, बात सही है कि नहीं? क्यों माने जी? यस यस। तो वो सवाल सब खत्म है, अब सवाल खत्म है तो फिर हमारे पास एक ही काम बचता है, तो काम कैसे करना है ये सीख है, और काम क्यों करना है ये तो हम पहले से जान ही चुके हैं, क्योंकि हम लोग आए हैं इस बिजनेस में, तो हमने क्यों करना है ये बिजनेस ये दिमाग में रखने के बाद तभी आए हम सबके पास होती है, हमको अपने सपने साकार करने हैं, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, पहचान कमानी है, समय कमाना है, अपने चॉइस की जिंदगी जीनी है, ये हम सबके पास। तो आज कुछ जसवीर जी से डिस्कशन हो रहा था तो कुछ बातें हम आपके साथ में करेंगे,
सबसे पहली बात तो है कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं, हमारे पास में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट हर तरह का है। लेकिन एक बात अभी आप ये सोच के देखो कि जैसे प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हम अगर सोचते हैं तो कई बार ये लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें थोड़ी सी माइंड में रहती हैं क्योंकि कंपनी ने सारे सवाल ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन हमारे माइंड में एक सवाल अभी भी है कि प्रोडक्ट जो है कंपनी का थोड़ा सा महंगा है। वैसे महंगा और सस्ता कुछ होता नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हमारी पॉकेट उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे आप बताइए कि एक साइकिल है, तो साइकिल महंगी है या सस्ती है? 5-7 हज़ार रुपए की आ जाएगी। लेकिन एक जो व्यक्ति झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? महंगी है, ये महंगी लगेगी क्योंकि उसकी तो एक महीने की तनख्वाह भी हो सकता है 7 हज़ार रुपए नहीं हो, उसे तो महंगी लगेगी, हैंड टू माउथ है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 10-20 लाख रुपए कमाता है महीने में और वो BMW के शोरूम में पहुंच जाए, तो उसके लिए BMW सस्ती है कि महंगी है? सस्ती है, 20 लाख रुपए महीने में कमा रहा है, 50 लाख की गाड़ी तुरंत उठा के ले आएगा वो, उसके कौन सा ज्यादा वो है? पांडे जी तो अब एक तरफ आप देखिए, आप BMW को भी सस्ती बोल रहे हैं और साइकिल को भी महंगी बोल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात पे ये डिपेंड करता है। और जिस तरह की जेंट्री में आप जाएंगे, जिस तरह के लोगों में आप जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सस्ता है या महंगा है। तो एक तो ये रीजन होता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन सही प्रोडक्ट से करें, जो चीज हमारे पास है, एप्पल के फोन का अगर कंपैरिजन करना है तो आप किससे करोगे? एप्पल से करना पड़ेगा कोई। अब आप अगर उससे नीचे के ब्रांड से करोगे तो कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे? जी गुरु जी। कंपैरिजन भाई, एक कोई प्रजाति होती, एक जाति होती, एक प्रजाति होती है, एक गधा है और एक है घोड़ा, दोनों का कंपैरिजन है क्या कोई? भाई गधा का गधा से कंपैरिजन हो सकता है? और आपको बंद करना पड़ा है, गधा का गधा से कंपैरिजन हो सकता है, घोड़ा का घोड़ा से हो सकता है, गाय का गाय से हो सकता है, भैंस का भैंस से हो सकता है। बात सही है कि नहीं? तो कुल मिला के हमको ये सोचने की जरूरत है कि जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन हमको, मैं इसको बंद कर दूंगा, स्लाइड शेयर हट गया क्या? हाँ अभी हट गया, दोबारा दिख रहा है ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दोबारा करूं क्या? ये एक्चुअली लोग हमारे ज्यादा रहते हैं नीचे के लिए लोग रहते हैं, मजा आता है कि चलो क्रूजिंग ट्रेनिंग में तो होती रहती है, इनका क्या इधर हो जाता है लाइफ रोज, मतलब हर बुधवार को यहाँ से क्या पांडे जी सही बात है, सही बात है ना? देखो साथ
चलिए बहुत बढ़िया। तो एक सवाल हमारे माइंड में रहता है, सारे सवाल तो खत्म है लेकिन एक सवाल रहता है कि प्रोडक्ट महंगा है और हम कैसे इस्तेमाल करेंगे या फिर कंपेरिजन करें तो कैसे करें, तो उसके लिए हम ये 10 मिनट में ये देखेंगे। आप पहले एक अपने माइंड में ये बना लो कि अभी माइंड में आपके में क्या अभी चल रहा है प्रोडक्ट को लेकर के, लेकिन ये स्लाइड देखने के बाद, ये कंपेरिजन देखने के बाद में आपका विचार जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यानपूर्वक देखना है, आपको ये इधर उधर ना घूम, और आप लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं, ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी ये सेशन है, और देखेंगे तो आपका माइंड सेट होगा। और इसके बाद में आप चैट बॉक्स में लिख के भेजना कि आपको पहले क्या माइंड सेट था, पहले आप प्रोडक्ट को लेकर के क्या विचार कर रहे थे, और अभी आपको ये देखने के बाद में आपको क्या विचार बदला, क्योंकि सबका जवाब ऐसे तो पूछ नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम अगर शेप्स ऑफ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुबह से लेकर के शाम तक, बल्कि रात तक भी हमारे सुबह से लेकर सुबह तक बोल सकते हैं, सुबह से लेकर सुबह तक हमारे पास में कंपनी ने हर तरह का प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है लगातार, आप सबको मालूम है, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि व्यक्ति जैसे ही सुबह जगेगा तो फेस वॉश इस्तेमाल करेगा, या पेस्ट टूथपेस्ट इस्तेमाल करेगा, नहाएगा तो साबुन इस्तेमाल करेगा, और इसके बाद कुछ खाएगा तो किचन के सारे मसाले सब कुछ हमारे पास है ही, उनको इस्तेमाल करेगा, सोएगा तो उसके लिए कपड़े सब कुछ बेड शीट और सब कुछ हमारे पास है, पहनेगा तो पहनने के लिए भी कपड़े हमारे पास है ही, हेल्दी रहेगा तो हेल्दी प्रोडक्ट हमारे पास है ही स्वास्थ्य रिलेटेड, तो हर तरह का प्रोडक्ट कंपनी ने दिया हुआ है। मैं तो बोलूँगा सुबह से लेके सुबह तक ये प्रोडक्ट सारे हमको कंपनी ने उपलब्ध कराए हुए, कैसी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के करा रखे और सही रेट पर करा रखे, ये अभी हमें जानने का मौका मिलेगा। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब होता है जितना पैसा हम दे रहे हैं उसका हमें उसके बराबर वैल्यू का हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। हमको ऐसा नहीं सोच सकते कि प्रोडक्ट जो हमको मिल रहा है, जो पैसा दिया है उस हिसाब का हमको प्रोडक्ट नहीं मिला, जो पे कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिटर्न हमको मिल रहा है। आप देखेंगे कि जब भी मैंने आज तक जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, मैंने हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखा है, प्रोडक्ट को जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं तुरंत उसका रिजल्ट आता है। मैं अपनी जो पर्ल फेशियल किट आती है उसको लेकर के एक हेयर ड्रेसर के पास गया और सैलून पे गया, तो सैलून पे जाने के बाद मैंने वो इस्तेमाल की और वहाँ पर तुरंत उस बंदे का भी कहना ये था कि आज तक ऐसी कोई किट मैंने फेशियल किट देखी नहीं जो इतना जल्दी रिजल्ट दे। तो तुरंत रिजल्ट आता है हमारी फेशियल किट का, तुरंत रिजल्ट आता है जब आप किसी को पेस्ट करने के लिए बोलते हैं वो तुरंत रेस्पॉन्स देते हैं, तुरंत रिजल्ट आता है जब आप देखो किसी को अगर फेस वॉश इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, पेस्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, इवन अगर आपने जैसे किसी को नोनी दी दहवा केयर दिया उसका रिजल्ट आता है। उसका मतलब होता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, चाहे आप हल्दी की बात हो, चाहे मिर्ची की बात हो, या किसी भी चीज़ की बात हो, उसका रिजल्ट है। और कोई भी प्रोडक्ट रिजल्ट तुरंत देता है। प्योर हर्बल प्रोडक्ट है, ये हर्बल प्रोडक्ट थोड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ये अपने आप में अलग ही बात होती है। तो हर्बल प्रोडक्ट है सारे के सारे हमारे, हमें सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पहले हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में हमारा बिलीव लेवल बढ़ता है, और ये बात बोली भी जाती है कि पहले विश्वास करें फिर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये चीज़ हम लोगों पे लागू होती है। एक बार इस्तेमाल कर लेता है, ये देखा होगा, मैंने भी देखा है कि हमारा प्रोडक्ट इतना दमदार है कि अगर कोई एक बार इस्तेमाल करने का तो बार बार फिर उसको मांगता है, बार बार उसी को प्रमोट करता है। मेरे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने एक बार चाय इस्तेमाल की, वो मेरे घर पे आए थे एक बार, तो हमने चाय पिलाई, उन्होंने बोला चाय तो बहुत अच्छी बनी है, तो हमने उनको डब्बा ला के दिखा दिया कि ये तो हमारी कंपनी की है, तो रेट बताया तो उनको ठीक लगा कि ये तो सही रेट की है, आप हमें दे दो। आधा किलो चाय दी पहले उन्होंने, मैंने उनको दी भी आधा किलो, ठीक है पहले आप इस्तेमाल करके देख लो और उसके बाद आपको अच्छी लगे तो फिर ले लेना। तो उन्होंने आप बिलीव नहीं करेंगे, आधा किलो चाय इस्तेमाल की और उसके बाद में जैसे ही वो फिनिश हुई, पहले तो उन्होंने रेस्पॉन्स दिया कि चाय अच्छी बनी है और हमको पसंद आई है, अब तब से उनका ऐसा हो गया है कि वो जुड़े नहीं हैं लेकिन वो चाय हमारे यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। अभी इतना मौका मुझे मिला नहीं है कि कोई और प्रोडक्ट भी अगर मैं उनको इस्तेमाल करने के लिए बोलूँगा और वो अच्छा लग जाएगा तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है।
जब कोई व्यक्ति एक बार हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर ले तो वो व्यक्ति बार बार मांगता है। एक मेरे साथ ही दुकानदार थे, उनको मैंने फेस वॉश इस्तेमाल करवाया था अपना चारकोल वाला, और उनको इतना पसंद आया कि अब लगातार वो फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दुकानदार है, उन दुकानदार को वो परचूने की दुकान करते हैं, कॉलगेट पेप्सोडेंट सब बेचते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के मैंने जब उनको बोला और अपना पेस्ट उनको दिया, अपना टूथपेस्ट दिया, हर्बल पेस्ट दिया, और मैंने उनको बोला कि आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए दो तीन दिन, और आपको नहीं पसंद आप मुझे वापस दे देना। लेकिन जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और अब लगातार वो जैसे है वो बेचे कुछ भी, लेकिन अपना जो हमारा हर्बल प्रोडक्ट है, हमारा जो हर्बल पेस्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं। उनको भी अगर दूसरी चीज़ भी कोई रिकमेंड कर दूंगा मैं ठीक से, अगर 5 मिनट बैठ के थोड़ा 5 मिनट टाइम निकाले और अगर मैं किसी चीज़ के बारे में उनको बता दूंगा, समझा दूंगा, और उससे भी उनकी कोई समस्या का समाधान होता है तो वो उसको भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो हमको ये बात मैंने प्रैक्टिकली देखी अपने जीवन में कि मैंने जब जब किसी प्रोडक्ट को जब मैंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल मैंने किया तो मुझे भी वही लगा कि ये बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, और मैंने दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बोला तो उन लोगों ने भी यही रेस्पॉन्स दिया और लगातार वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी की बात है 2-3 दिन पहले की, मैं आगरा में था, वहाँ पर मैंने एक पुलिस वाले थे और उनको मैंने ये प्रोडक्ट अपना जो फेस वॉश है चारकोल का वो इस्तेमाल करवाया, और इस्तेमाल करवाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा, और धूप में खड़े थे वो अच्छा लगा, तो उन्होंने दो पेस्ट की मेरे से डिमांड की, दो पेस्ट लेकर के उन्होंने टेस्ट मनी के तौर पर कुछ और लोगों को थोड़ा सा डेमो दिया और उनको इस्तेमाल करवाया अपने साथियों को, तो उन्होंने चार दे दिए, दो और बाद में ले लिए, तो चार जो चारकोल के फेस वॉश थे वो मेरे से उन्होंने ले लिए। अब वहाँ पर मेरे पास में एक चीज़ मुझे फील हुई कि चार लेने के बाद में अगर मेरे से और चार मांगते तो मेरे पास थे ही नहीं, मेरे पास चार ही थे। मुझे लगा कि हमारे पास में कहीं भी हम कहीं कार में निकलते हैं या मोटरसाइकिल पर निकलते हैं या बाजार में कहीं भी निकलते हैं, अपना बैग लेके निकलते हैं, चाहे सब्जी लेने क्यों ना निकले, लेकिन उसमें हमारे अपने प्रोडक्ट जहाँ भी हम निकले हमारे साथ में प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरी चार की वो सेल होती नहीं किसी भी कंडीशन में, जो अगर मेरे पास तुरंत देने के लिए नहीं होते। तो मैंने ये वहाँ से सबक लिया कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट हुआ है और इस्तेमाल करवाने के लिए उनको टेस्ट के लिए भी रखा हुआ है तो पहले टेस्ट करवाया, पहले उनको इस्तेमाल करवाया, फिर उनका बिलिंग लेवल बढ़ा तो उन्होंने वो ले लिया, और उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, मैंने उनका नंबर ले लिया। अब उन्होंने ये बोला है कि सर ये हमको अगर इनके बाद में हमें चाहिएंगे तो कहाँ से मिलेंगे, मैंने बता दिया एकमात्र स्थान मेरा फ़ोन नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना, मैं किसी न किसी के थ्रू आपको पहुँचवा दूँगा, या फिर आपके घर पर आ जाएंगे, उनका पैन नंबर और आधार नंबर देके किसी को बोल देंगे वो ज्वाइन करा देगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट में दम है और बार बार इस्तेमाल करते हैं। एक बार अगर कोई व्यक्ति मेहनत करेगा तो एक बार की मेहनत आपकी इतनी लंबी मेहनत हो सकती है कि वो जीवन भर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अब हम यहाँ पर अगर कंपेरिजन देखते हैं जो हमारा सवाल बना रहता है उसी चीज़ को हमें विशेष कर समझना है, हम देखेंगे तो हमारे पास में संपूर्ण हनुमान है और संपूर्ण हनुमान जी 10,490 रुपये के हैं आप सबको मालूम है, और 148 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं और ट्रिपल सी में 148 मिलते हैं, टोटल बिजनेस वॉल्यूम देखेंगे तो 296 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है हमको। यदि इसी चीज़ को हम अमेजोन पे जाकर के देखते हैं तो अमेजोन पे 12,899 रुपये का ये संपूर्ण अनुमान है उसी क्वालिटी के उसी रेंज के देखेंगे तो, और फ्लिपकार्ट पे भी जाके देखेंगे तो भी हमें वही मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो तो यहाँ पर जो 296 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है लेकिन वहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम हमको 0-0 मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता जी है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट टॉकिंग भगवद गीता जी है वो वहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास 11 लैंग्वेज में है, बहुत बड़ी बात होती है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, स्पेनिश, फ्रेंच, नेपाली, असमी, तमिल, तेलुगु, गुजराती और कन्नड़, ये इतनी भाषाओं में आप ये एक ही बुक इतनी भाषाओं में बोल सकती है, ऐसा पहले कभी दुनिया में आपने देखा नहीं होगा। 108 कृष्ण भजन है, 18 मेडिटेशन है, वर्ड मीनिंग है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। खास बात यह है कि जो अंधे लोग जो होते हैं उनके लिए भी ये ब्रेल लिपि में इसमें इसको बनाया गया है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चित्रों के साथ में, अच्छी अच्छी प्रिंट के साथ में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीवन में हम किसी समस्या से कैसे निकलना है, कभी किसी को गुस्सा आता है, कभी किसी को कोई व्यक्ति बहुत उदास होता है, कभी किसी को कोई रिलेशन ठीक से नहीं बन पाते हैं,
कभी किसी की फैमिली ठीक से ड्राइव नहीं हो पाती, किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे तो हर तरह का सवाल का जवाब इसमें है। और खास बात यह है कि अगर हम देखेंगे तो 10,990 रुपए करीब करीब 11,000 रुपए की हमारे पास में ये उपलब्ध है, और 148 और 148 296 मिलता है। अगर उसी तरीके की अगर हम भगवत गीता जी देखें अमेजोन पर जाकर के तो वो 38,750 रुपए की है। तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, जो चीज हमको 11,000 में मिल रही है उसको ऑनलाइन अगर हम देखते हैं तो 38,750 रुपए की मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसको हम ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाएं, एक पुण्य काम भी कर रहे हैं, किसी की जिंदगी में किसी के परिवार में एक अच्छा खुशी लाने का हम काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास में सूट लेंथ है, रेमंड का सूट लेंथ है, वो 3,451 रुपए में हमारे पास मौजूद है, जिसमें 100 बिजनेस वॉल्यूम है। अगर उसी तरीके का रेमंड सूट अगर हम देखें ऑनलाइन जाकर के तो 4,499 रुपए का है। आप देखिए कि हमारे पास में उसी फैब्रिक का और उसी ब्रांड का अगर हम देखते हैं तो 3,500 खरीद और वहाँ पर 4,500 खरीद। तो ये चीज़ें हमें समझने की जरूरत है। गूगल आपके सामने है, इसका अगर कंपेरिजन करते हैं रेवन का, अगर उसी तरीके का सेम अगर उसी तरीके का अगर आप गूगल देखेंगे जाकर के तो हमारे पास में 2,499 का है, जिसमें 56 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। और उसी तरीके का अगर रेवन का हम खरीदें तो 9,390 रुपये का हमको मिलता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रेट का। 3 टूथपेस्ट हमारे पास आते हैं, एक की कीमत निकालेंगे तो एक की कीमत करीब 105 रुपये निकल के आएगी, जिसमें कि 2 बिजनेस वॉल्यूम में 2 और 4 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और इसके साथ साथ अगर उसी तरीके का जो मार्केट में हम कंपेरिजन करते हैं तो मार्केट में हम पेप्सोडेंट या कोलगेट या उस तरीके से नहीं कर सकते। जो हमारा पेस्ट वेरी करता है, जो हर्बल है, जिस तरीके के गुण उसके अंदर हैं, अगर किसी के दांतों में दर्द होता है, अगर किसी के दांतों में से पायरिया है, ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने की शिकायत है, या किसी के ठंडा पानी पीता है तो लगता है, ठंडा गर्म पानी पीता है तो लगता है, सेंसिटिविटी है, तो इस तरह की कोई भी समस्या जो हमारे दांतों से रिलेटेड रहती है उसको हमारा पेस्ट दूर करता है। और उसी तरीके का मार्केट में सेंसोडाइन एक पेस्ट आता है, जिसकी कीमत आप देखेंगे तो वहाँ पर 192 रुपये है 100 ग्राम की, और हमारा 100 ग्राम आता है कितने का, 105 रुपये का। तो आप देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये आपके सामने है। और ये तो दुबई के जब वो 9% तो डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट नहीं है तो क्या होगा। तो ये चीज़ आपके सामने है, डबल रेट का है, 210 का है, देखो डिस्काउंट रखा देंगे तो हमारा 105 का, उनका 210 का, तो हमारे एक में दो आ रहे हैं, और किसी भी मायने में उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। अब हम अगर ज्योति देखते हैं, हमारे पास में ज्योति आती है, आप सबको मालूम है। अगर उसी तरीके की हम मार्केट में साइट पे जाकर के हम देखते हैं, अमेजोन पे ऑनलाइन जाकर के देखते हैं तो हमारी 266 रुपए की है, और जिसमें कि 2 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। जबकि आप अगर अमेजोन पे जाकर के अगर उसी को देखेंगे तो 350 रुपए के 100 पीस है केवल, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया 266 और 350 में। ये आपके सामने है मिक्स जैम फ्रूट है, मिक्स जैम फ्रूट को अगर देखेंगे 253 रुपए की है, 253 रुपए की है, हमारी 1 केजी है, ये 500 ग्राम आपकी 142 की है। अगर इसको भी 1 केजी करेंगे तो आपके 142 और 142 आपके 284 रुपए की हो जाएगी, हमारी 253 की है, जिसमें कि 2 बिजनेस वॉल्यूम भी मिल रहे हैं, वहाँ से कोई बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं मिलता। ये आपने देखा है टमाटो केचप है, और टमाटो केचप को अगर हम देखते हैं तो ये 323 रुपए की, 323 रुपए की, जिसमें 2 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। और पैक ऑफ टू है तो एक की कीमत हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर डबल कर लीजिए, यहाँ 198 है कि एक है, तो 396 रुपए की 2 केजी हो गया हमारा, 323 रुपए की 2 केजी है। और यहाँ पर अगर देखते हैं उसी तरह का अगर टमाटो केचप देखते हैं ऑनलाइन मार्केट में हम लोग तो 396 रुपए का मिलता है। तो आप डिफरेंस आपके सामने है, आपने इस्तेमाल भी किया होगा, हमारे यहाँ तो जब से इस्तेमाल हो रहा है तब से दूसरी किसी को पसंद ही नहीं आती। ये स्ट्रेस रिलीवर है, ऑर्गेनिक अश्वगंधा, तो इसको अगर हम देखते हैं तो 100 टैबलेट हमारी 522 रुपए की है, और जिसमें कि 8 बिजनेस वॉल्यूम हमको मिलता है। ये
आप 60 टैबलेट देखेंगे तो केवल 60 टैबलेट ही यहाँ 1395 रुपए की है। अगर आप मार्केट में देखें तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। इसको 100 का निकालेंगे तो अभी इसमें 40% और बढ़ जाएगा, 2000 के आसपास बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि हमको 522 रुपए में 100 टैबलेट मिल रही है, जो कि यहाँ पर 60 टैबलेट का 1400 रुपए देना है। तो आप किसी भी आप कंपेरिजन देखिए एक एक चीज का। 478 रुपए में बैक ऑफ 3 मिलता है हमें और यहाँ पर 326 रुपए में एक ही लीटर मिलता है और बिजनेस वॉल्यूम आपके सामने है, कुछ मिलता ही नहीं है। बैक ऑफ 3 है तो बैक ऑफ 3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 410 रुपए का हमें मिलता है और 4 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, जबकि यहाँ पर अगर देखेंगे पर लीटर 155 रुपए बनता है। यहाँ पर लीटर बनेगा आपका 1440 रुपए के आसपास और ये 155 रुपए का बनता है। तो डिफरेंस आपके सामने है, क्वालिटी आपके सामने है। यहाँ पैक ऑफ 2 डिशवाश लिक्विड है जो कि 459 रुपए के हैं और 459 से अगर देखेंगे तो ये 190 नहीं कमी बनेगा, आप देखेंगे तो इसको डिवाइड करके नहीं ज़्यादा बनेगा। तो आप देखिए ये जो भी बन रहा है, लेकिन वहाँ पर 329 रुपए का है पर लीटर, यहाँ पर लीटर आप बना लीजिए कितने का बनेगा। तो फिर भी हमारा सस्ता है, फिर भी हमारा सस्ता है। और अगर हम देखते हैं तो कॉम्बो का तो हालांकि कोई कंपैरिजन होता नहीं है, लेकिन कॉम्बो भी कहीं से अगर निकालेंगे तो उसका भी कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कई चीज़ों के मार्केट में उसी तरीके के प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए मिल रहे हैं, कहीं के नहीं मिल रहे हैं। अगर हम एचटीबी आपको लिक्विड जो आता है उसको अगर हम देखते हैं तो 499 रुपये का 50 ml है, जिसमें कि हमको 6 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। और यदि हम दूसरी जगह से देखते हैं शुगर फ्री तो 679 रुपए का मिलता है 50 ml और वहाँ पर कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलता। तो ये डिफरेंस आपके सामने है। सिल्वर फॉइल को अगर हम कंपेरिजन करते हैं उसी क्वालिटी की अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 440 रुपए का सिल्वर फॉइल है 1 kg और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 525 रुपए का पर kg है। तो आप डिफरेंस आपके सामने है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। नोनी यदि हम देखते हैं तो 1720 रुपए में हमारे पास में 2 लीटर नोनी आता है, 860 रुपए का 1 लीटर हो गया, जिसमें कि 26 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और अगर इसी का कंपेरिजन अगर हम करते हैं, क्योंकि हमारा नोनी प्रीमियम है, सिर्फ नोनी नहीं है, हमारा नोनी प्रीमियम है और नोनी प्रीमियम अगर आप मार्केट से देखेंगे तो वो 2349 रुपए में 1 लीटर मिलता है। हमारा 1 लीटर 860 रुपए का और मार्केट में अगर देखते हैं तो वही नोनी प्रीमियम 2349 रुपए का। आप डिफरेंस आपके सामने है, जबकि यहाँ पर हमको बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है और वहाँ पर कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलता। एंटी मॉस्किटो स्प्रे है 328 रुपए का, बैक ऑफ मिलता है हमको, 4 बिजनेस वॉल्यूम भी मिलता है। लेकिन अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे उसी तरीके का एंटी मॉस्किटो स्प्रे तो 590 रुपए का 100 ml मिलता है। तो डिफरेंस आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। काउ मिल्क घी देखते हैं तो 760 रुपए का है हमारे पास में 1 लीटर। और यदि पतंजलि का ही देखते हैं, पतंजलि के बारे में लोगों को ऐसा आइडिया रहता है कि भाई उससे सस्ता कहीं नहीं मिलता, तो पतंजलि का ही अगर देखते हैं तो 1679 रुपए का 1 लीटर मिलता है गाय का जो सर्टिफाइड बटर करी। तो ये आपके सामने है, आप देखिए कंपैरिजन आपके सामने है। हमारी जो चाय है मैंने खुद इस्तेमाल की है, हम अपनी चाय इस्तेमाल करने से पहले ताजमहल की चाय ही मैं इस्तेमाल करता था। काफ़ी लंबे समय से हमने ताजमहल की चाय इस्तेमाल की है।
एक बुढ़ी हो।